डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ब्रजेश पाठक बोल रहा हूँ। ये महमूदाबाद हॉस्पिटल का आपने विजिट कब से नहीं किया? अच्छा, यहाँ यहाँ 37 कर्मचारी हैं, 37 मिनट तक आए अभी 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 हम बात दूसरा पन्ना चप्पा, 6 कर्मचारी गायब हैं, 1 कर्मचारी है जो पीजीआई ड्यूटी किसकी लगी है? राहुल चौधरी को आपने पीजीआई भेज रखा है कोविड का सर्वे ले जाने के लिए। हमको तो चिकित्सा अधीक्षक महोदय लगाए कि सीएमओ ने ड्यूटी लगाई है। हाँ एलटी है तो कब आज गए हैं क्या? वो आज लेके गए कि नहीं गए, मैं पूछ रहा हूँ, आज लेके गए कि नहीं लेके गए? नहीं, इनका कहना यहाँ है ही नहीं, तो पीजीआई में टेस्ट हमारे पास नहीं है। वो यहाँ कितने साल से नहीं आए? इनके पास तो इन्होंने देखा ही नहीं कभी उसको। डॉक्टर साहब आप यहाँ अगर आए थे 2 दिन पहले तो किया क्या आपने, ये तो बताओ मुझे। आपने अभी जांच नहीं की आपके कर्मचारी हैं कहाँ? नहीं थे, अटेंडेंस में नहीं लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब आप समझो, अटेंडेंस रजिस्टर मेरे सामने है, उनका दस्तखत नहीं है कई साल से यहाँ। डॉक्टर साहब गलत बात है, आप अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं कर रही है और मुझे कुछ करना पड़ेगा अगर इस तरीके से आप काम करोगे। मीनाक्षी वर्मा कहाँ है? बैठी है, काम कर रहे हैं जी। दस्तखत यहाँ होते हैं, काम वहाँ कर जी। रितु रानी क्यों नहीं आई? लगाओ ऑप्शन, अपसेंट लगाओ, और यहाँ भी लगाओ अपसेंट। और ये कौन है? ये अनुज सिंह क्यों नहीं आए? क्यों लापता है? नोटिस दिया आपने? कब दिया नोटिस? नोटिस काफी लंबा नहीं है, नोटिस भी काफी ला। आपको बड़े बाबू कहाँ है? बुलाओ। ये रितु रानी कितने दिन से गायब है? अच्छा, ये डॉक्टर अनुज सिंह नहीं, गायब कौन सा है? अनु सिंह कितने दिन से गायब? डॉक्टर अनु सिंह 3-4 महीने से। नोटिस दिया आपने? नोटिस दिया आपने? नहीं नोटिस दिया आपने कि आप जिम्मेदार, आपने इनको लिखित सूचना दी कि आप नहीं आ रहे हो, क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए? लिखित दिया आपने? किसी को देंगे? कौन देगा नोटिस? जिम्मेदार अधिकारी को क्यों नहीं दिया? तो अभी तो कार्रवाई जल्द में आ गए ना, बताओ क्यों नहीं दिया? भाई मेरी बात सुनो, कोई कर्मचारी आपके नहीं आ रहा है तो आप कार्रवाई कौन करे? अभी 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 सही सीएमओ से बात करो। ये हो गए, और कौन है? ये नहीं आ रहे ना डॉक्टर अनुज सिंह। पीयूष शुक्ला कहाँ है? सर इनका एमसीएच में सिलेक्शन हो गया है। ये छुट्टी मांगे हैं यहाँ पेपर? अपने छुट्टी मांगा इन्होंने, अनुमति ली है आपने? ठीक है। अश्विनी श्रीवास्तव ये आपके यहाँ डॉक्टर कितने हैं टोटल? अब कितने लोगों को छुट्टी दिया पड़ा? छुट्टी हमने नहीं दिया, तो गायब ही हो गए। नहीं गायब हो गए तो क्या कार्रवाई भी तो नहीं की आपने? डॉक्टर अश्विनी श्रीवास्तव ही गायब है। और सी एस पांडे आप फार्मेसिस्ट हैं? और विपिन वर्मा क्या है? ईएल क्या होता है? अर्ली कितने दिन की स्वीकृत कर दिया आपने? सर क्यों 17 में 6 गायब? फिजिशियन कितने हैं अपने पास? एक भी नहीं है। मेडिकल अफसर कितने हैं? अच्छा अपने पास 34 कर्मचारी हैं, 37 कर्मचारी हैं। रवि प्रकाश आए हैं? दरखास्त दिया इन्होंने कहाँ? दिखाओ जो जो छुट्टी दरखास्त सब निकालो। राहुल चौधरी ये भी गायब है? किसने टेस्ट किया है? अब तो नहीं ले जाते नहीं सर, बात करा आप सीएमओ से, अब कहाँ ले जाएंगे? अब तो हमारे खुद लैब खुल गई, पीजीआई क्या ले जाएंगे? सब बात नहीं सर, अभी 5 मिनट तो काम कर सर भी कहें 5 मिनट अभी मिला लेंगे सर। ठीक सर, ये तरीका ठीक थोड़ी है, ऐसे कैसे काम करोगे आप? आपने पीजीआई कब ले जा रहे थे? कब कोविड था? और अभी तक आदमी आपका गायब, आपको होश ही नहीं है?
नमस्ते मैडम। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ब्रजेश पाठक बोल रहा हूँ। ये महमूदाबाद हॉस्पिटल का आपने विजिट कब से नहीं किया? अच्छा, यहाँ यहाँ 37 कर्मचारी हैं, 37 मिनट तक आपने अभी 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 हम दूसरा पन्ना चेक पर 6 कर्मचारी गायब हैं। एक कर्मचारी है जो पीजीआई ड्यूटी किसकी लगी है? राहुल चौधरी। राहुल चौधरी को आपने पीजीआई भेज रखा है कोविड का सर्वे लगाने के लिए। हमको तो चिकित्सा अधीक्षक महोदय लगाए कि सीएमओ ने ड्यूटी लगाई है। हाँ एंटी है तो कब आज गए हैं क्या वो? आज लेके गए कि नहीं गए मैं पूछ रहा हूँ, आज लेके गए कि नहीं लेके गए? नहीं, इनका कहना यहाँ है ही नहीं, वो तो पीजीआई में टेस्ट हमारे पास नहीं है। वो यहाँ कितने साल से नहीं आया? वो कितने साल से नहीं आया? इनके पास तो इन्होंने देखा ही नहीं कभी उसको। डॉक्टर साहब आप यहाँ अगर आए थे 2 दिन पहले तो किया क्या आपने, तो बताओ मुझे। आपने अभी जांच नहीं की आपके कर्मचारी हैं कहाँ? नहीं थे, अटेंडेंस में नहीं लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप समझो, अटेंडेंस रजिस्टर मेरे सामने, उनका दस्तखत नहीं है कई साल से यहाँ। डॉक्टर साहब गलत बात है, आप अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं कर रही है और मुझे कुछ करना पड़ेगा अगर इस तरीके से आप काम करोगे। आप यहाँ आए थे तो आपने क्यों नहीं जाँच किया अटेंडेंस रजिस्टर को? आपको देखना चाहिए था कि आपके कर्मचारी कहाँ है, नहीं देखना चाहिए था? तो तत्काल देखिए कहां पर है लोग। राहुल चौधरी कितने साल से नहीं आए हैं? 19 से, एक साल से नहीं आए हम। तत्काल बताकर बताइए। चलो राहुल चौधरी गायब है। और ये पंकज कुमार कौन है? ये कहां है? ये नारिया कहां है? ये भी गायब है। योगेंद्र कुमार, अच्छा पंकज कुमार वर्मा है, उदय राम है, पंकज कुमार कहाँ है? नहीं काम कर रहे तो वहीं चले। उदय राम है, दुबे जी आशुतोष क्या करते हैं? श्रीमती विजय लक्ष्मी सूरज। आज महमूदाबाद का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इसका निरीक्षण हमने किया है और मरीजों से हमने व्यक्तिगत बात की है। सरकार की जो योजनाएं हैं सभी मरीजों तक पहुँचे, हमने इस बात के लिए यहाँ के जो चिकित्सा और कुछ चिकित्सक और जो पैरामेडिकल स्टाफ पाया है उनको नोटिस जारी कर पूछा जा रहा है कि क्यों गायब हैं, कहाँ गायब हैं, कितने दिन से गायब हैं और समुचित जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाए। कई अस्पतालों में आप निरीक्षण करने के लिए निकल रहे हैं, ये सीतापुर में आप पहुंचे हैं, इससे पहले लखनऊ, बाराबंकी और बिकाती। देखिए कल भी हमने और इससे पहले प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सकों को हमने करबद्ध अनुरोध किया था, कृपया मरीजों को भगवान मान करके उनकी सेवा करें। अस्पताल परिसर में जो भी मरीज आए वो हमारे परिवार का सदस्य हो, उसकी पीड़ा को दूर करें, उसको संतुष्ट करें और अस्पताल परिसर की साफ सफाई, पीने का पानी, व्हील चेयर, स्ट्रेचर, उनके बैठने का इंतजाम, परिजनों के लिए इंतजाम करें। और मैं सभी अस्पतालों में जाऊंगा, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के जो शहर के अस्पताल सब में जाऊंगा और मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि हमारी इसमें मदद करें। बहुत पहला सीएससी की हालत बहुत खराब है सर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।